हेलो गाइज, वेलकम टू शालू शनी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज मैं ये वाला ड्रेस पहनी हूँ। ये ड्रेस मैं पहनी थी लखनऊ जब गई थी, तो आप लोगों को याद होगा। और मम्मी और चाचू के देखिए कि ये लोग सीढ़ी पे बैठ के भजन कीर्तन कर रहे हैं। मम्मी की ये तो ये देखिए साची को, साची क्या हरकत की है। सारा कपड़ा जितना हम फोल्ड करके रखे थे ना, सब निकाल के बाहर फेंक दिया है। और डोलची वहाँ ले जाके किए, मैं बर्तन धुल रही थी, अभी जस्ट बर्तन धुल के आई हूँ। बर्तन लगाए भी नहीं है, वैसे ही पड़ा है बर्तन। और इनका देखिए क्या हाल किए हैं पूरा। मम्मी गई हैं नीचे, उनकी फ्रेंड के घर पूजा है तो पूजा में गई हैं। अंजू मार्केट गई है, पापा बाहर गए हैं और मैं घर में थी। तो दो चार बर्तन था, मैं सोची धुल दूँ, झाड़ू लगा दूँ, वही सब कर रहे हैं। और इनको दिए कि ये खेले, बॉल दिए, देखिए बॉल दिए हैं, बॉल से नहीं खेला जा रहा है। और सारा कपड़ा निकाल दिए हैं। और आज ये पीली परी बनी है, येल्लो परी बनी है। इनका फेस देखिए, फेस देखिए। मम्मी की कुछ फ्रेंड आई थी तो उनको चाय नाश्ता दिया गया, तो उसमें मतलब बर्तन गंदा हो गया था। अंशु सब धुल के गई थी मार्केट, लेकिन उनकी फ्रेंड आई थी ना मम्मी की, तो सब चाय पानी देने में गंदा हुआ था। तो मैं सोची मैं धुल दूँ। और आज हनी के यहाँ, हनी और छोटी को तो आप लोग जानते हैं, तो उनके यहाँ पूजा था, तो वो लोग लाई हैं प्रसाद। प्रसाद दे के गई हैं, शिव चर्चा हो रहा था तो प्रसाद दे के गई हैं। और मम्मी अभी नीचे ही हैं, मम्मी की सारी सहेलियाँ आई हैं, तो मम्मी उन लोगों से बातें कर रही हैं। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है और मैं अपना सूटकेस निकाल के बाहर रख दी हूँ। अब मेरी पैकिंग शुरू हो गई है, क्योंकि इतना सामान जो भी था ना यहाँ वहाँ सब है, तो पैकिंग अभी से स्टार्ट कर दिए हैं, सूटकेस बाहर रख दिए हैं। और साचू का पोटी सीट नीचे है, साचू उसमें बैठती ही नहीं है, अभी डायपर में ही कर लेती है। बाकी उसका कुछ खिलौना यहाँ है, मतलब अभी सारा सामान जो है ना वो इकट्ठा करके रख दे रहे हैं, ताकि बस पैकिंग करना रहे। और पैकिंग कितना भी करो, जिस दिन जाना रहता ना उस दिन तक होता है। तो जैसे आते टाइम था कि हाँ पैकिंग हो रही, पैकिंग हो रही है, तो वैसे अब जाते टाइम है, एक हफ्ता पहले से ही पैकिंग चालू है। और देखिए गर्मी अब स्टार्ट हो गई ना, ठंडी में आपको पूरा पैक पैक दिखता था, लेकिन अभी गर्मी जब से स्टार्ट हुई है पूरा पर्दा साइड साइड ऐसे कर दिए, ताकि हवा आए, खिड़की ओपन है, बस जाली वाला लगा है। तो आप लोगों को जल्दी ही मैं अपना मायके का होम टूर करवाऊँगी, आप लोग इंतज़ार करिए। और ये देखिए साची का कितना मगन है, कितना मतलब ये भी नहीं देख रहे कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बस वो उसी में खुश है। और बास्केट खोल दिए थे ना, बास्केट खुला था, देखिए बास्केट भरा है, इतना कपड़ा निकाल दिया है, खेल रही है। यहाँ पे मम्मी बाहर बैठी है, खिड़की के बाहर है, और साची खिड़की के अंदर है, तो वो मम्मी को ना पकड़ना चाहती है, बट खिड़की बंद है तो कैसे पकड़ेगी। देखिए खिड़की खोल रही है, खिड़की भी खोलना सीख रही है। और अभी देखिए अंशु का दुपट्टा है, अंशु गई थी मार्केट तो वो कपड़ा चेंज कर ली है, तो दुपट्टा ही यहीं रखी थी बेड पे। तो साचू उसका दुपट्टा लेके दुल्हन दुल्हन खेल रही है, देखिए मतलब दुपट्टे में ना पूरा परेशान है। मैं उसको उड़ा भी दी कि ठीक है मैं दुल्हन बना दे रही हूँ खेलो, लेकिन नहीं, पता नहीं उसको क्या सूझा है, क्या कर रही है, खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। इधर से उधर, उधर से इधर दुपट्टा कर रही है। और येलो ड्रेस में कितनी प्यारी लग रही है ना साचू, एकदम परी जैसी। और देखिए दुपट्टा फेंक दी, उसको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है, खूब परेशान है दुपट्टे को इधर उधर करके। देखा
सची बहुत देर तक दुपट्टे से खेलती है, आधे घंटे तक दुपट्टे से खेलती है, उसी दुपट्टे में परेशान रहती है, और मैं जब ले लेती हूँ तो रोने भी लगती है, तो फिर मैं उसको दे देती हूँ कि ठीक है भाई रो ना अपना खेलो। बस यही था कि ध्यान देना पड़ रहा था कहीं बेड के नीचे ना आ जाए, देखिए कितना बेड के करीब में आके बैठी है ना, यही डर था कि कहीं दुपट्टे के चक्कर में बेड के नीचे नहीं आ जाए। तो मैं खड़ी थी और इसी बहाने रिकॉर्डिंग भी चालू था कि मतलब दिखा दे आप लोगों को कि ये कर क्या रही है। मतलब आधे घंटे तक परेशान थी उस दुपट्टे के चक्कर में, और उधर मम्मी बैठी है बाहर चेयर पे, और बालकनी का भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, और अंशु फोन चला रही है, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और अभी मम्मी पापा साचू हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, सोनार के यहाँ जाना था, ज्वेलर के यहाँ कुछ और शॉपिंग बाकी थी। अभी एक दिन दिखाए थे आप लोगों की कि गए थे साची के लिए, कड़ा लिए, रिंग लिए और कुछ चीज़ें लिए थे, तो फिर आज फिर जा रहे हैं, पापा भी जा रहे हैं, आज पापा भी पसंद करेंगे, तो आज गए हैं शॉपिंग करने के लिए। वो भी आज भी पूरी शॉपिंग नहीं हुई है, कुछ कुछ शॉपिंग हुई कुछ नहीं हुई है, तो मंगाना वही साइज इसमें थोड़ा डिजाइन रहे चौड़ा, तो ये मतलब चौड़ा रहे, दो तीन डिजाइन लगेगा और आठ बाई आठ का इसमें ये नाक गिर सकता है ना, इसमें तो हो सकता है ये साइज, मतलब साइज बताया मैंने आपको इतना नहीं, ये कुछ ज्वेलरी अभी बाकी है, नहीं लिए हैं, कुछ ले लिए हैं, रीजन ये था कि साइज का इशू था, तो साइज जब अपने बालकनी का भी वो दिखा दे रही हूँ। ये है मेरा रूम, जो दरवाज़ा दिख रहा है ये मेरा रूम है, और पूरा इतना एरिया जो है मेरे हम लोगों के रूम के एरिया में आता है, तो अच्छा है ना। सबसे लास्ट वाला रूम लिए है ना, तो ये फ़ायदा है कि ढेर सारा जगह मिल जाता है, और इधर इधर सीढ़ी है, तो अगर उधर रूम लेते हैं ना तो ये सीढ़ी से सब आते जाते ज़्यादा गंदा होता, और हम लोगों के साइड में ना ज़्यादा सफाई रहती है। तो ये सोफा के जैसे रखा गया है, जिसका मन करता है वो आके यहाँ बैठता है, मस्त हवा चलती, दिखी पर्दा हिल रहा है ना, इतना अच्छा हवा आता है ना कि फैन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ रात में थोड़ा मच्छर वगैरह लगते हैं, बट कोई ना, दिन में शाम को बहुत मज़ा आता है यहाँ बैठने में। खिड़की खोल देते हैं तो जो अंदर रहता है बाहर से बातें हो सकती हैं अंदर बाहर। ये फैन इसलिए बाहर रखा गया है, रीजन है साची, ये खाट है जो कि इस पे बैठे थे एक दिन, आप लोगों को पता है, लेकिन अभी ना ये थोड़ी सी ना उसकी वेल्डिंग ही बोलते हैं ना, वो छूट गई है, तो उसको वेल्डिंग करवाना है। ये हमारी तुलसी माता, इनको ना थोड़ा ऊपर रखना है क्योंकि नीचे पड़ जा रहा है गमला, तो वो पापा लाए हैं लकड़ी का, उसको थोड़ा जुगाड़ वगैरह करके कुछ करेंगे ताकि माता जी का गमला जो है ऊपर हो जाए, क्योंकि नीचे है ना तो अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। और ये हमारा मनी प्लांट है, अभी पता नहीं क्यों उतना हरा भरा नहीं है, रूम चेंज हुआ था ना तब से दूसरा लगा है, तो इधर का पत्ती झड़ गया है, इधर इतना बाकी है, सही है। ये हमारा दरवाजा है, ये है मीटर, तो ये बांध दिए हैं रस्सी ताकि यहाँ पे कपड़ा वगैरह सुखा सके। इतना एरिया है ना तो बहुत ही आराम रहता है, कपड़ा सुखा लो बैठ जाओ, सब कुछ करने में इजी रहता है, किसी से न लेना न देना, ताकि कोई ये ना कहे कि अरे हटो हटो हमको जाना है, तो पूरा अपने एरिया में आता है, अपने अंडर में आता है। और ये है बड़ी सी खिड़की पूरा बाल वाल बिखरा है ना हमारा कूलर वहाँ रखा हुआ है, रीजन ये है कि अभी कूलर चल नहीं रहा है, पहले ना वो कूलर ना यहाँ पे रखा था, ये खिड़की के पास रखा था, आप लोग किसी वीडियो में देखे होंगे, रील्स में शॉर्ट्स में देखे होंगे, मैं यहाँ पे ना वीडियो बनाती थी तो कूलर का थोड़ा थोड़ा आता था, तो अभी कूलर यहाँ से हटा दिया गया है। रीजन ये है कि साची का बर्थडे ना यहाँ पे सेलिब्रेट होगा, यहाँ पे पर्दा लगेगा, यहाँ पे डेकोरेशन होगा, तो अभी सफाई हो रही थी तो वहाँ पे रख दिया गया कूलर, क्योंकि वहाँ से जो था। और हमारे ऊपर की जो रूम है ना उसमें बैचलर बॉयज़ रहते हैं, तो उन लोगों का उतना फैमिली है नहीं, उतना बच्चे हैं नहीं और सामान है नहीं कि उन लोगों को आने जाने में सीढ़ी से दिक्कत होगा, तो वहाँ पे रख दिया गया है बस कुछ दिन के लिए, क्योंकि अभी साची का बर्थडे जो है अभी बहुत ही नज़दीक में आ गया है, तो जल्दी ही कूलर हटा दिया जाएगा। साची का बर्थडे जहाँ भी था कूलर यहाँ पे आ गया, क्योंकि तब तक गर्मी भी आ जाएगी, हम लोग दर्शन करके आएंगे तब तक तो गर्मी आ जाएगी, तो फिर यहाँ पे कूलर लग जाएगा। तो जब से कूलर हटा है
ना तो ये यहाँ पे आ गया है। ये क्या है आप लोग को पता है, जिसपे पापा सोते थे रूम में वो है। तो अभी ये हटा दिया गया है क्योंकि सफाई उफाई हुई है, तो वो वीडियो भी मैं जल्दी डालूंगी, आप लोग देख लीजिए। तो सब कुछ चेंज हो गया है। तो अब यहाँ पे ना बैठने में बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि शाम तक ना रूम में इतना गर्मी लगने लगता है कि मतलब अच्छा ही नहीं लगता है रूम में। और शाम को भी सासू को बाहर घुमाते हैं, टहलाते हैं, तो हम टहलाते हैं, मम्मी अंशु जो जो खाली रहता है सब आके यहाँ बैठते हैं, बातें होती है, पापा आते हैं, वो सभी लोगों को यहाँ बैठ के नाश्ता पानी होता है। कभी मैं वो वीडियो भी बनाऊँगी कि यहाँ पे शाम को कैसी महफिल जमती है, आप लोग भी देखिएगा। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ गाइज वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइज। और मेरा नाम 200 सब्सक्राइब कंप्लीट होने में बस 3 सब्सक्राइबर बाकी हैं। प्लीज आप लोग 3 सब्सक्राइबर कर 3 लोग सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। तो प्लीज़ आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग आज या कल तक मेरा 200 कंप्लीट करवा देंगे, तो प्लीज़ मेरा 200 कंप्लीट करवा दीजिए। पता है ये 192 या 93 ना फरवरी में ही था, लेकिन 8-9 सब्सक्राइबर मेरे पूरा 1 महीना हो गया लेकिन बढ़े नहीं। तो प्लीज़ आप लोग 2 या 3 तो बढ़ा दीजिए ताकि मेरा 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। तो ओके गाइज, बाय बाय, लाइक करना ना भूलिए गाइज।